एडिटिंग खत्म करे भैया, कंटिन्यू है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको समझानी है। आज जिस टॉपिक को टच करने वाले हैं, एक बार पढ़ के बता देना यार, दिल को सुकून मिल जाता है मेरे दोस्तों, दिल गदगद हो जाता है। क्या लिखा? फ्यू और लिटिल। क्या लिखा जी? फ्यू और लिटिल। आपको पता है ये ऐसी टॉपिक है, ये एक ऐसी टॉपिक है जहां पर अगर मैं सिर्फ फ्यू और लिटिल को समझने की कोशिश करूं तो हमेशा मिस्टेक होगा। आज मैं आपको फ्यू और लिटिल को ऐसे ढंग से समझाने वाला हूं कि जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, एकदम गारंटी है, गारंटी। आप बोले प्रियंक सर ऐसे मत बोलो यार, चैलेंज ही कर रहे हैं आप सबको, ऐसा पढ़ाऊंगा जिन दोनों को जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। अब अगर मैं बात करूं फ्यू और लिटिल की, दोस्तों थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है, थोड़ी सी चीज़ों को समझने की कोशिश करते। मुझे एक बात बताओ, एक बार दिल से बोलो इस शब्द को, एक बार बोलो। हाँ जी, सुन रहा हूँ मैं। हाँ जी, बोलिए फ्यू। अच्छा एक बात बताओ, जैसे आप बोलते हैं फ्यू तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ना, मैं इन चीज़ों को गिन सकता हूँ, लगता है। हाँ, फ्यू पीपल गिन सकता हूँ, चीज़ों को मैं गिन सकता हूँ। अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ लिटिल पीपल? नॉनसेंस लग रहा है, जच नहीं रहा, कुछ लोग पता जच नहीं रहा है, अरे जचाने आए हो या गाना बना रहे हो क्या, जचा लोगे, लिटिल पीपल जच नहीं रहा बोलते ना। तो बड़े ध्यान से समझना, इसका एप्लीकेशन यहीं से चालू हो जाता है। फ्यू जो है वो डील करता है नंबर्स से। फ्यू किससे डील करता है दोस्तों? फ्यू डील करता है नंबर से। और ये वर्ड जो है विच इज लिटिल, ये डील करता है क्वांटिटी से। फ्यू डील करता है नंबर से और लिटिल शब्द जो है ये डील करती है क्वांटिटी से। इसका मतलब अगर मैं बात करूं तो मैं इस फ्यू के बाद लगा सकता हूं पीपल, ये तो नंबर की बात है, और लेकिन मैं अगर लिटिल बोलूं तो लिटिल के बाद मैं पीपल नहीं लगा सकता। मुझे तो इसके आगे कुछ किसी चीज की क्वांटिटी बतानी होगी। उदाहरण के तौर पे मैं लगा सकता हूं नॉलेज, ठीक है। तो एक दायरा अभी सिंपल सा जो समझ में आया कि फ्यू डील करता है नंबर के साथ और लिटिल डील करता है किसके साथ दोस्तों? क्वांटिटी के साथ। इस फ्यू और लिटिल ने इतने सारे कंफ्यूजन पैदा किए हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। और आपको पता है बहुत सिंपल सी चीज, आज जब मैं बताऊंगा ना तो बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल आसानी से। बड़े ध्यान से समझना, बड़े मजे में समझना, कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ, क्वेश्चंस बहुत सारे कराने वाला हूं। जैसे ही कंफ्यूजन होता क्यों है, पहले तो ये समझो यार, कंफ्यूजन होता क्या है, इसका छोटा सा दायरा बताता हूं। कंफ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि कहीं कहीं पर मुझे सिर्फ क्या यूज करना होता है, एक बार बोलो फ्यू। कहीं कहीं पर मुझे यूज करना होता है अ फ्यू और कहीं कहीं पर मुझे यूज करना है द फ्यू। कंफ्यूजन ये है असली कंफ्यूजन। कहीं पर मैं फ्यू यूज कर लेता हूं, कहीं पर मैं यूज कर लेता हूं अ फ्यू और कहीं पर मैं यूज कर लेता हूं द फ्यू। अब यहां पे आ गए कंफ्यूजन। तो कंफ्यूजन का दायरा क्या है, वो ये कहती है कि भैया कहां यूज करते हो फ्यू, कहां यूज करते हो अ फ्यू और कहां यूज करते हो द फ्यू। बड़े ध्यान से समझना, एक बार में समझ में आएगा। देखो ध्यान से यहां क्या लिखा है, फ्यू। इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, यहां क्या लिखा मैंने, देखो फ्यू किससे डील करता है नंबर से, तो इसका मतलब होता है बहुत कम। एक बार बोल के बताओ मेरे साथ, जब मैं फ्यू के पहले कुछ भी ना लगाऊं, ना अ है ना द है, तो एक्चुअली फ्यू का मतलब होता है बहुत कम। अब इस बहुत कम को थोड़ी हिंदी बता देता हूं, बहुत आसानी से समझ में आएगा। इस बहुत कम को हिंदी में एक और शब्द से बोलते हैं नगण्य। क्या बोलते हैं? नगण्य, मतलब बहुत कम, बहुत कम। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ये हमें सेंस कैसा दे रहा है, नेगेटिव। ये हमें कैसा सेंस दे रहा है दोस्तों? ये हमें नेगेटिव सेंस दे रहा है। बड़े ध्यान से समझना, कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, क्वेश्चन में लेके जाऊंगा, सारी चीजें क्लियर होंगी। जब मैं बोल रहा हूं फ्यू, तो एक्चुअली फ्यू का मतलब क्या है, फ्यू का मतलब क्या होता है? बहुत कम, बहुत कम। अब इंग्लिश में अगर मैं बोलूं फ्यू पीपल आर देयर, तो बताओ मुझको इसका मतलब क्या हुआ, फ्यू पीपल आर देयर, बहुत कम है। मैं क्लासरूम के अंदर घुसा, मैंने बोला फ्यू स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लासरूम, इसका मतलब क्या हुआ, बहुत। इसी तरीके से आप बहुत सारे एग्जांपल्स बना सकते हैं, आप अपने ढंग से भी एग्जांपल्स बना सकते हैं, अभी हम करेंगे। तो अभी फिलहाल आप इतना समझो कि फ्यू का मतलब होता है, जैसे मैं कहीं गए, आप किसी सिनेमा के थिएटर में चले गए, लेट्स से आप किसी सिनेमा थिएटर में गए, ठीक है। अब आप थिएटर के अंदर घुसे और कई बार आप देखे, अरे फ्यू पीपल,
तो फ्यू पीपल का मतलब क्या है? बहुत कम लोग, बहुत कम लोग। तो फ्यू का जो मतलब हुआ वो हो गया बहुत कम। इसका मतलब क्या है? बहुत कम। अब मैं इसी बहुत कम को इंग्लिश में लिख देता हूं तो इसका मतलब होता है हार्डली एनी। इसका मतलब क्या होता है? हार्डली एनी। इसका मतलब क्या होता है? हार्डली एनी। ठीक है जी। अब आ जाइए आप अफ्यू में, ठीक है, दूसरे दायरे में चलते हैं। अब दूसरा है अफ्यू। तो दोस्तों इस अफ्यू का मतलब होता है कुछ। अफ्यू का मतलब होता है कुछ, कुछ कुछ होता है। अरे गाने पे ध्यान नहीं, इधर फोकस करो। अफ्यू, अफ्यू का मतलब क्या होता है? कुछ। इस कुछ को शायद मैं एक और वर्ड से भी समझ सकता हूं, जिसे हम कहते हैं क्या, थोड़ा। थोड़ा है थोड़े की जरूरत। थोड़ा सीखे हो और थोड़ा थोड़ा सीखना है। तो एक शब्द मुझे समझ में आ रहा है क्या, कुछ, और दूसरा शब्द मुझे समझ में क्या आ रहा है, थोड़ा। ठीक है। तो अ फ्यू अगर मैं कहीं पर भी यूज करूंगा तो इसका मतलब हो जाएगा कुछ या थोड़ा। चलिए इसी को समझते हैं। पहले मैंने बोला फ्यू स्टूडेंट्स। अब मान लीजिए प्रिंसिपल ने बोला एक बार जाओ यार रूम में चेक करके आओ स्टूडेंट्स कितने हैं। मैं गया रूम में, मैं बहुत इज्जत से, दोस्तों मैं बड़ों की बहुत इज्जत करता हूँ, मैं गया। प्रिंसिपल मैडम मुझसे बड़ी हैं यार, मैं गया क्लासरूम में, गया और मैंने देखा, और मैं बाहर निकला और मैं मैडम को हिंदी में बोला कुछ बच्चे हैं। जैसे ही मैंने बोला कुछ बच्चे हैं तो प्रिंसिपल मैडम ने वाइस प्रिंसिपल से बोला अ फ्यू पीपल, अ फ्यू स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लासरूम। अ फ्यू, मैडम ने क्या बोला, अ फ्यू। मैडम ने बोला अ फ्यू, बड़ा ध्यान समझना, मैडम ने बोला अ फ्यू स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लासरूम। तो ये अ फ्यू का मतलब मैडम ये बोलना चाह रही थी कुछ बच्चे हैं, कुछ बच्चे हैं। ठीक है, कुछ बच्चे हैं। अब ये जो द फ्यू है दोस्तों, बड़े ध्यान से समझना, ये द फ्यू, ये द फ्यू क्या है? इस द फ्यू को पहले तो मुझे एक बात बताओ, थोड़ा सा अभी हमने आर्टिकल पढ़ा नहीं है लेकिन फिर भी ये द आप लगाते कहां? कुछ बच्चे बोल रहे हैं बहुत खूबसूरती से कि कोई भी चीज जो क्या हो स्पेसिफिक हो, कोई भी चीज जो क्या हो स्पेसिफिक हो, उसी के ठीक पहले हम क्या लगाते हैं, द फ्यू। उसी के पहले हम क्या लगाते हैं, द फ्यू। चलिए इसी बात को समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं। 10 स्टूडेंट हैं आपकी क्लास में। कितने स्टूडेंट हैं जी, कितने स्टूडेंट हैं? 10 स्टूडेंट। 10 स्टूडेंट्स में दो स्टूडेंट फिजिक्स के हैं। ये यहां पर क्यों आए हैं? ये यहां पर आए हैं फिजिक्स पढ़ने। ठीक है। इसके बाद सेकेंड जो कैटेगरी हम लोग ले लेते हैं, चलिए चार स्टूडेंट आए हैं पढ़ने मैथ्स। चार स्टूडेंट्स क्या पढ़ने आए हैं, मैथ्स। अब बचे कितने, दो और चार छह बचे, इसका मतलब चार और, चार आए हैं आपके इंग्लिश पढ़ने। ठीक है, बड़े ध्यान समझना, बहुत सिंपल एग्जांपल से ये तीनों को क्लियर कर रहा हूं, आगे फिर सवाल में लेके जाऊं। 10 स्टूडेंट हैं, दो स्टूडेंट आए हैं फिजिक्स पढ़ने, 10 स्टूडेंट में चार स्टूडेंट आए हैं मैथ्स पढ़ने, और जो बच गए, ध्यान से समझना, जो बच गए वो चार पढ़ने आए हैं इंग्लिश। अब मैं इसी को अगर इंग्लिश में इसका इस्तेमाल के बोल करके मैं बोलने की कोशिश करूं तो मैं किस तरीके से बताऊंगा आपको, बड़े ध्यान समझना। देखिए अगर 10 की बात करूं तो 10 के रेशियो में अगर मैं 2 की बात कर रहा हूं तो ये तो हुए बहुत कम। तो मैं इंग्लिश में बोला फ्यू केम टू लर्न फिजिक्स। फिर से सुनो, फ्यू मतलब बहुत कम आए, किसके लिए, फिजिक्स के लिए। सो फ्यू केम टू लर्न फिजिक्स। दूसरे में आते हैं, कुछ हो गया, अब यहां चार है मतलब कुछ। अ फ्यू केम टू लर्न मैथमेटिक्स, यहां पर चार हैं तो मैं बोल रहा हूं थोड़े, जो थोड़े हैं वो किसके लिए हैं, मैथ्स के लिए हैं। तो अ फ्यू केम टू लर्न मैथमेटिक्स। अब ये दोनों की जब बात हो ही चुकी तो तीसरी कैटेगरी में क्या है, और जो बचे हुए हैं। ये चार नहीं बोल के मैं क्या बोल सकता हूं, मैं बोल सकता हूं जो बचे हैं। तो जो बचे हैं उनके पहले मैं लगाऊंगा एंड द फ्यू, जो बचे हैं स्पेसिफिकली जो चार बचे हैं उन्हीं की बात कर रहा हूं जो बचे हुए हैं। एंड द फ्यू केम टू लर्न इंग्लिश। फिर से ध्यान से समझना,
जब मैं यूज करता हूं फ्यू इसका मतलब होता है बहुत कम, जब मैं यूज करता हूं अ फ्यू तो इसका मतलब होता है कुछ, और जब मैं इस फ्यू के पहले द लगा देता हूं तो ये स्पेसिफिक बना देता है उस आगे वाले फ्यू को। इतनी चीज हमें बड़े ध्यान से समझनी है, ठीक है। अब मैं आशा करता हूं आप इसको बहुत ध्यान से समझेंगे, और जब हम क्वेश्चन करेंगे तो डिटेल में हम और क्लियर से समझेंगे इसको। चलिए अब इसी के बाद मैं आ जाता हूं एक दूसरी चीज में, जिसे हम कहते हैं जिसे हम कह रहे हैं लिटिल। तो लिटिल जब मैं बोल रहा हूं तो इसका मतलब इसमें भी तीन कैटेगरी होगी, एक तो होगा खुद लिटिल, दूसरा हो गया अ लिटिल, और तीसरा हो गया द लिटिल, ठीक है। ये हो गया लिटिल, ये हो गया अ लिटिल, और ये हो गया द लिटिल, ठीक है। अब एक बात बताओ, चलिए मैं एक बहुत प्यारा सा, ठीक है, एक बहुत प्यारा सा आपके लिए बकेट तैयार कर दिया। क्या तैयार कर दिया? एक बहुत प्यारा सा खूबसूरत सा बकेट आपके लिए तैयार कर दिया। इस बकेट में यहां तक पानी भरा हुआ, दोस्तों बड़े ध्यान से देखो, देखो ध्यान से यहां तक पानी भरा हुआ है, और मैंने आपको ये दे दिया और बोला जाओ इस कमरे को पोंछ दो, गो एंड मॉप दिस फ्लोर। मॉप मतलब होता है पोंछना, मॉप मतलब क्या होता है, मॉप मतलब होता है पोंछना, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा जाओ भैया पोंछ दो, आप क्या बोलेंगे, अरे इतने कम पानी में, इतने कम, बड़े ध्यान से देखो, देखो मेरा एक्सप्रेशन कितना बेहतरीन बन रहा है, इतने कम पानी में। अच्छा एक बात होता है इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, जब आप ऐसे ऐसे बहुत ऐसे जोड़ लेते हो ना, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं फ्राउन। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हम क्या कहते हैं फ्राउन, एफ आर ओ डब्ल्यू एन। तो आपने कहा इतने कम पानी में, अब देखो इसका मतलब, इसका मतलब बहुत कम। तो इस लिटिल का, इस लिटिल का यहाँ पर मतलब होता है, इस लिटिल का मतलब होता है नॉट मच। इस लिटिल का क्या मतलब होता है, नॉट मच। इस लिटिल का मतलब क्या होता है, नॉट मच। तो दोस्तों अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि लिटिल का इस्तेमाल हमने कैसे किया। तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि इस लिटिल का इस्तेमाल कैसे किया। तो इस लिटिल का मतलब यहां पर क्या हो गया दोस्तों, सेम इसी तरीके से ये हो गया बहुत कम, ये हो गया बहुत कम। जब भी आप किसी क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे, अब जैसे मैं यहां पर अगर बात करूं तो पानी बहुत कम है, तो मैं बोलूंगा दिस कंटेनर, एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझते हैं, दिस कंटेनर। अब यहां अगर मुझे लिखना है और आगे लिखा है वाटर, क्या लिखोगे, बहुत कम है, तो बहुत कम है इसका मतलब ये कौन सा सेंस दे रहा है, ये सेंस दे रहा है नेगेटिव सेंस। ये सेंस कौन सा दे रहा है दोस्तों, ठीक उसी प्रकार जैसे फ्यू नेगेटिव सेंस दे रहा था, वो नंबर की बात कर रहा था, यहां पर लिटिल है ये क्वांटिटी की बात करता है और नेगेटिव सेंस देता है, इसलिए मैंने यहां पर भी क्या यूज किया, बहुत कम। क्वांटिटी की बात कर रहा हूं जो बहुत कम है, तो दिस कंटेनर, दिस कंटेनर, और यहां अगर मैं लिखूं हैज, तो यहां मुझे लिखना पड़ेगा लिटिल वाटर, दिस कंटेनर हैज लिटिल वाटर। अब एक काम करते हैं, बड़े मोहब्बत और प्यार से इसमें आपने और पानी भर दिया, इसमें आपने और पानी भर दिया, आपने आधा भर दिया, तो इसका मतलब अब आप ये बोलेंगे इसमें पानी, इसमें कुछ पानी है। तो जब मैं बात करता हूं अ लिटिल की, तो ये रिफ्लेक्ट करता है कुछ, और इसका सेंस हो जाता है क्या, पॉजिटिव। इसका सेंस क्या हो जाता है, पॉजिटिव। और अगर ये पॉजिटिव हो गया और अब मुझे इसी कंटेनर को या इस बकेट के बारे में बात करना है, तो मैं बोलूंगा कि दिस कंटेनर हैज अ लिटिल वाटर। यहां पर मैं क्या यूज करूंगा दोस्तों, दिस कंटेनर हैज अ लिटिल वाटर। और जब मैं बात करूंगा द लिटिल की, तो अब आप समझ ही गए होंगे कि द इसके दायरे को क्या कर देता है, स्पेसिफिक बना देता है। द इसके दायरे को क्या कर देता है, स्पेसिफिक बना देता है। उदाहरण के तौर पे हम समझ सकते हैं, एक लीटर पानी है, मैंने उसमें से एक लीटर में से कुछ जो बहुत कम था, बहुत कम पानी मैंने कहीं यूज किया, उसके बाद कुछ पानी मैंने और यूज किया, तो जो बचा खुचा पानी है उसके पहले हम क्या लगा देते हैं, उसके पहले हम लगा देते हैं द। अब ये जो अभी जो हम लोगों ने सीखा है, हम लोगों ने अभी बहुत अच्छे से एक चीज सीखी कि हमें कहां पर यूज करना है फ्यू,
हमें कहाँ पर यूज करना है, हमें कहाँ यूज करना है अ फ्यू, और हमें कहाँ यूज करना है द फ्यू। इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं आपको अब कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, आप उन क्वेश्चंस को अटेंड करें और उसके बाद हम देखते हैं कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए या नहीं। दोस्तों आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपने स्टडी किया है उसके बेसिस पे एक बार अपने से खुद से फटाफट सॉल्व करने की कोशिश करें, अटेम्प्ट करें, उसके बाद तो हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए आपने बिल्कुल प्रयास किया होगा, मुझे आपके ऊपर पूरा विश्वास है। बारी बारी से हम समझेंगे और हमारे पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। लिखा मिला आई हैव, लिखा मिला आई हैव डैश वाटर लेफ्ट, देयर इज इनफ टू शेयर। दोस्तों क्वेश्चन को हैंडल करने का एक सेंस होता है, पहले वो सेंस पकड़ना आप सीखें, क्वेश्चन ईजिली आप सॉल्व हो जाएगा। कुछ एक ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अक्सर बोलते हैं कि मैं कहाँ से पढ़ूँ, कौन सी बुक रेफर करूँ। दोस्तों कॉन्सेप्ट पकड़ना सीखो। इट डजेंट मैटर हाउ मेनी क्वेश्चंस डू यू सॉल्व, बट इट ऑलवेज मैटर्स हाउ यू सॉल्व, विथ व्हाट पॉइंट ऑफ व्यू डू यू सॉल्व दैट क्वेश्चन। ऑलराइट, सो फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट। चलिए समझते हैं। आई हैव डैश वाटर लेफ्ट, वाटर की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ दोस्तों, इसका मतलब है यहाँ से समझ में आ रहा है कि मैं बात कर रहा हूँ क्वांटिटी की। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ क्वांटिटी की। अब अगर मैं बात कर रहा हूँ क्वांटिटी की तो क्वांटिटी के नाम पर मेरे पास तीन शब्द हैं। एक है लिटिल, एक बार बोलो मेरे साथ साथ बोलो एक बार, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल। तो सबसे पहले तो मुझे इस लाइन ने ये दायरा बता दिया कि भैया क्वांटिटी की बात चल रही है, यहाँ कोई नंबर्स की बात नहीं है। मैं से गिन नहीं सकता पानी को, एक पानी दे, दो पानी दे, तीन पानी दे। रेलवे स्टेशन में जाते हो तो ऐसे बोलते हो क्या? अच्छा हाँ, कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे, पक्का कुछ स्टूडेंट पीछे से बोलेंगे, हम तो बोलते हैं भैया एक पानी दे देना, और वो एक, अरे भैया आप एक पानी बोलते हो लेकिन वो समझता है कि एक्चुअली एक पानी का मतलब आप एक बोतल मांग रहे हो, ठीक है। और जिन लोगों को ये क्लियर नहीं हो रहा है वो पीछे की वीडियो देखें एक बार जाके, तो आपको समझ में आएगा। जहां पर मैंने काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन पढ़ाया वहां पर एक बार जाके आप सीख सकते हैं। तो आई हैव डैश वाटर का मतलब हो गया ये बात कर रहा है किसकी, क्वांटिटी की। और अगर ये क्वांटिटी की बात कर रहा है तो हमारे पास तीन शब्द हैं, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल। There's enough to share. देखो ध्यान से समझो, I have dash water left, बचा हुआ है, There's enough to share. There is enough to share. मतलब हम इसे share कर सकते हैं, हम इसे आसानी से share कर सकते हैं। तो एक बात बताओ मुझे, ये sentence positive sense की बात कर रहा है या negative sense की बात कर रहा है? हाँ, very good, आप बोल रहे हैं ये positive sense की बात कर रहा है। अगर मैं share कर सकता हूँ इसका मतलब कुछ पानी तो है, इसका मतलब अगर कुछ पानी तो है तो कुछ का मतलब मैं यहां लगा दिया अ लिटिल। क्या लगा दिया? अ लिटिल। चलिए दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। आई हैव डैश गुड फ्रेंड्स। अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहां बात किसकी चल रही है दोस्तों? फ्रेंड्स की। और अगर मैं बात कर रहा हूं फ्रेंड्स की तो शायद मैं डील किससे कर रहा हूं? मैं डील कर रहा हूं नंबर्स से। मैं किससे डील कर रहा हूं? नंबर्स से। और अगर मैं नंबर्स से डील कर रहा हूं तो इसका मतलब मुझे किस दायरे में जाना है? फटाफट बताओ, लिटिल में जाऊं या फ्यू में जाऊं? वेरी गुड, मैं जाऊंगा फ्यू में। अब अगर मैं बात करूं तो आई हैव डैश गुड फ्रेंड्स, आई एम नॉट लोनली। आई एम नॉट लोनली ये कुछ बता रहा है, आई एम नॉट लोनली कुछ बता रहा है। क्या बता रहा है? कि भाई मेरे, क्या ये नेगेटिव सेंस बता रहा है? ये सेंटेंस तो मुझे कुछ इतना ही बताया ना कि ये किससे डील कर रहा है? नंबर से। लेकिन आगे की कहानी से क्लियर हो रहा है कि भैया मैं अकेला नहीं हूं, मेरे पास कुछ दोस्त हैं। और अगर कुछ दोस्त हैं तो मैं यहां यूज करूंगा अ यू। कुछ पढ़ाई करो। He has dash education। अब फिर से आ गया क्या?
एजुकेशन, नंबर्स की बात नहीं है, ये नंबर्स की बात नहीं है। और अगर ये नंबर्स की बात नहीं है तो मैं किस दायरे पे जाऊंगा, मैं लिटिल के दायरे पे जाऊंगा, क्वेश्चन पकड़ना सिखा रहा हूं। आगे इजी हो जाएगा, ही कांट रीड और राइट। अच्छा ध्यान से देखो, ही हैज डैश एजुकेशन, ही कांट रीड और राइट, ये सेंटेंस मुझे दायरा तैयार करके बता रहा है कि भैया वो न पढ़ सकता है न लिख सकता है। तो अगर वो पढ़ भी नहीं सकता, वो लिख भी नहीं सकता, इसका मतलब तो ये नेगेटिव सेंस है। और अगर ये नेगेटिव सेंस है, इसका मतलब वो बहुत कम पढ़ाई हुई है उसकी। तो बहुत कम के लिए मैं यूज करूंगा लिटिल। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं, देयर आर डैश पीपल शी ट्रस्ट। अब बात आ रही है पीपल की, इसका मतलब मैं किससे डील करूंगा, आप होशियार हो गए हैं, पीपल का मतलब हो गया नंबर से डील करूंगा। इट्स सैड, अब देखिए ध्यान से, ये बोल रहा है इट्स सैड। इट्स सैड का मतलब क्या, बहुत कम। ये जो दोस्तों ये सेंटेंस है ना, ये चीजों को बिल्कुल क्लियर कर दे रहा है, ये तो बहुत दुख की बात है कि उसके बहुत कम दोस्त हैं। तो ये अगर इट्स सैड बोल रहा है, तो यहां पर बहुत कम की अगर मैं बात करूं तो मैं बोलूंगा देयर आर फ्यू पीपल शी ट्रस्ट, मतलब वो बहुत कम लोगों को ट्रस्ट करती है और ये बहुत दुखद है। We have got dash time at the weekend. अगर बात कर रहा हूं मैं टाइम की, तो मेरा दायरा तैयार किस पे हुआ, लिटिल पे हुआ। यहां से ये चीज क्लियर हो गई। Shall we meet? अब देखो, एक एक सेंटेंस बोल रहा है कि we have got dash time at the weekend, ठीक है। Weekend का मतलब हो गया सैटरडे संडे, समय का दायरा है। Shall we meet? तो दोस्तों अब मिलते कब हो किसी से, जब आपके पास कुछ समय है तभी तो मिलोगे, बिल्कुल बहुत कम समय है तो कहां से मिलोगे। तो इसका मतलब यहां पर होगा कुछ समय आपके पास है, वी हैव गॉट अ लिटिल टाइम एट द वीकेंड, शैल वी मीट। दोस्तों बड़े ध्यान से समझो, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो अ लिटिल, लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, बड़े ध्यान समझना, इंटरेस्टिंग है। इंग्लिश में कितने बड़े बड़े मिस्टेक्स करते हैं हम लोग। मोनिका, मोनिका, मोनिका गेव मी डैश एप्पल्स, शैल आई शेयर। फिर से तो समझेंगे, मोनिका गिव मी डैश एप्पल्स, कुछ तो दिया भाई एप्पल्स। अब एप्पल्स की बात है, इसका मतलब नंबर से डील कर रहा हूं। शैल आई शेयर, शैल आई कब बोलते हैं, जब ऑफर करते हैं, तो भैया आपके पास कुछ होगा तभी तो शेयर करोगे। तो उस कुछ है, इसका मतलब मोनिका गेव मी अ फ्यू एप्पल्स, मोनिका गेव मी अ फ्यू एप्पल्स, शैल आई शेयर। चलिए नेक्स्ट में, शी गेव मी डैश ऑरेंजेस, एम आई अ बेगर। शी गेव मी डैश ऑरेंजेस, एम आई अ बेगर। अब इसकी बात अगर मैं करूं कि शी गेव मी डैश ऑरेंजेस, एम आई अ बेगर, अब ध्यान से देखिए, ये भी वही कहानी है, मोर और लेस इट इज सेम, लेकिन आगे लिखा मिला एम आई अ बेगर। तो एम आई, अब आप एक बार इमेजिन करके देखिए, किसी ने आपको कुछ दिया और उसके बाद आप बोल रहे हैं अरे उसने मुझे ये दिया, क्या मैं भिखारी हूं। इसका मतलब ये बात हो रही है दोस्तों नेगेटिव सेंस की। बात किसकी हो रही है, बात हो रही है नेगेटिव सेंस की। और अगर नेगेटिव सेंस की बात हो रही है, तो यहां पर मैं क्या यूज करूंगा, नंबर से डील कर रहा हूं, यहां पर मैं बात करूंगा फ्यू, यहां पर मैं क्या बात करूंगा, फ्यू की, मतलब बहुत कम। आई हैव डैश केक्स, वुड यू लाइक, आई हैव डैश केक्स, वुड यू लाइक टू ईट। तो अगर मेरे पास केक्स हैं, इसका मतलब कुछ तो है, तभी तो मैं आपसे बोल रहा हूं वुड यू लाइक टू ईट, तभी तो मैं ऑफर कर रहा हूं भैया, नहीं तो ऑफर कैसे करता। तो यहां पर मैं डील कर रहा हूं केक्स, इसका मतलब मैं नंबर से डील कर रहा हूं, और नंबर से डील कर रहा हूं इसीलिए मैंने क्या लगाया, अ फ्यू लगाया। मैंने क्या लगाया दोस्तों, अ फ्यू लगाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देयर इज डैश मिल्क इन द फ्रिज। अब मैं देखूं ध्यान से, तो मिल्क की बात चल रही है, क्वांटिटी से डील कर रहा है, आंसर में हो सकता है लिटिल या लिटिल। सो देयर इज डैश मिल्क इन द फ्रिज, इट इज इनफ फॉर टी, इट इज इनफ फॉर टी। और अगर मैं बोल रहा हूं वो पर्याप्त है चाय के लिए, इसका मतलब कुछ तो है। तो अगर कुछ तो है, इसलिए मैंने बोला देयर इज अ लिटिल मिल्क इन द फ्रिज, इट्स इनफ फॉर टी। आशा करता हूं इससे आपका कॉन्सेप्ट मजबूत हुआ होगा। एक और सेट करते हैं कंप्लीटली, बहुत ढंग से, हो सकता है कुछ नई चीजें इसमें हम सीखें। चलिए दूसरे सेट में आ जाइए मेरे साथ, आपके लिए ये दूसरा सेट है, एक बार कोशिश करें, और कोशिश करने के बाद फिर हम तो एक बार साथ साथ प्रयास करेंगे।
चलिए दोस्तों समझने की कोशिश करते हैं, बड़े ध्यान से सीखेंगे और समझेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। शी इज लकी फुल स्टॉप, शी इज लकी। अब अगर मैं कह रहा हूँ शी इज लकी तो इसका एक सेंस बैठता है, मतलब पॉजिटिव, वो लकी है। शी हैज डैश प्रॉब्लम्स, क्या बोलोगे इसमें? किसी के पास अगर बहुत कम समस्याएं हो तो लकी है, कि किसी के पास कुछ समस्या हो तो लकी है? मैं आपसे एक साधारण सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग आर्ग्यूमेंट में उतर जाते हैं। किसी सेंस को पकड़ना सीखो दोस्तों। किसी के पास कम समस्या, बहुत कम समस्या होगी तो वो लकी बोल रहा हूँ, या किसी के पास कुछ समस्या होगी तो लकी होगा, दोनों के बीच में क्या होगा? जाहिर सी बात, हम बोलेंगे इसके पास बहुत कम समस्या है, तो अगर इसके पास बहुत कम समस्याएं हैं, इसके पास अगर बहुत कम समस्याएं हैं, बात कर रहा हूँ प्रॉब्लम्स की, नंबर से मैं डील कर रहा हूँ इसलिए मैंने यूज किया यहाँ पर, शी हैज फ्यू प्रॉब्लम्स, ठीक है। चलिए सेकंड में आते हैं, यहां पर हो गया बहुत कम। He has dash time, यहां से कुछ समझ में नहीं आ रहा, सिर्फ एक चीज समझ में आ रही है कि हम इसकी क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, बस इतना ही समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। He hardly calls his mother, दोस्तों एक चीज समझना, ये कीवर्ड है, कीवर्ड का मतलब ये बहुत कुछ बताता है। इसका मतलब होता है बहुत कम, तो he hardly calls का मतलब वो बहुत कम कॉल करता है, किसको? अपनी माँ को। तो कोई व्यक्ति अगर अपनी माँ को बहुत कम कॉल करता है तो इसका मतलब हो गया उसके पास बहुत कम समय होता है, ऐसा तो नहीं आया बहुत समय है और आप कॉल नहीं कर रहे हैं, आपके पास बहुत कम समय होगा, ठीक है। तो जब बहुत कम की बात कर रहा हूँ, यहाँ डील कर रहा हूँ किससे? टाइम से, इसलिए मेरा दायरा होगा लिटिल, लिटिल में बहुत, इसलिए मैंने क्या लगा दिया? सिर्फ और सिर्फ लिटिल, ठीक है जी। तीसरे में आ जाइए, अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली का मतलब दुर्भाग्य से। अनफॉर्चुनेटली आई हैव डैश प्रॉब्लम्स नाउ। अब देखो यहां पर मैं बोल रहा हूँ दुर्भाग्य, तो अगर आपके पास बहुत कम समस्याएं होंगी तब तो आप नहीं बोलेंगे कि मैं क्या हूं, मेरे जीवन में क्या है? दुर्भाग्य है। आपके पास शायद कुछ समस्या है तभी तो आप बोलेंगे कि भाई ये दुर्भाग्य है। तो अगर कुछ है तो यहां पर मैं बोलूंगा अ फ्यू। बड़े ध्यान से इसको और इसको समझने की कोशिश करेंगे, आराम से सेंस पकड़ना सीखो। आर यू थर्स्टी? आपसे पूछ, हाँ जी आपसे पूछ रहा हूं, क्या प्यासे हैं? आर यू थर्स्टी? There is dash juice left in the jar. क्या तुम प्यासे हो? और अगर क्या तुम प्यासे हो तो मैं ऐसा तो नहीं कि इतना सा पानी आपको दे दूंगा, अब क्या आपको प्यास लगी है? तो अगर मैं पूछ रहा हूँ कि आपको प्यास लगी है तो मैं ये बता रहा हूँ कि भाई वहां पर पानी है, पॉजिटिव सेंस की बात कर रहा हूँ। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ पॉजिटिव सेंस की, बात कर रहा हूँ जूस की, ये डील करेगा क्वांटिटी से, इसलिए मैं गया किसके पास? लिटिल के पास। तो अगर कुछ जूस है तो मैंने यूज किया कि भाई कुछ जूस है उसमें, अगर प्यास लग रही है पी लो। वी मस्ट बी क्विक, अब देखो वी मस्ट बी क्विक, मस्ट बी क्विक मतलब बिल्कुल फोर्स कर रहा है, कॉम्पेल कर रहा है। वी मस्ट बी क्विक, वी हैव डैश टाइम, मतलब वी मस्ट बी क्विक का मतलब हमारे पास, देखो हमारे पास बहुत कम समय है। तो जब बहुत कम समय है, बात चल रही है टाइम की, इसलिए हमने यूज किया क्या? हमने यूज किया लिटिल। अब देखो इसी में दूसरा सेंटेंस, दोस्तों बड़े ध्यान से इसको और इसको एक बार समझने की कोशिश करना, टिक भी कर दे रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों सेंटेंस को बड़े ध्यान से समझना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वी मस्ट बी क्विक, यहां भी दिया क्वेश्चन में वी मस्ट बी क्विक, आपको कंफ्यूज करने के बहुत सारे तरीके हैं। वी मस्ट बी क्विक यहां भी है, वी मस्ट बी क्विक यहां भी है, लेकिन यहां दिया वी हैव ओनली। अब यहां एक नया दायरा आ गया, यहां पर एक नया दायरा आ गया। तो बड़े ध्यान से इस चीज को समझना, जब मैं लगा देता हूं ओनली, क्या बोला मैंने? जब मैं लगा देता हूं ओनली, तो ये ऑलरेडी कौन सी सेंस की बात करता है? नेगेटिव सेंस की बात करता है। फिर से एक बार समझना ध्यान से, अगर मुझे सवाल में ऑलरेडी लिखा मिल गया है ओनली, तो ओनली का मतलब ही होता है बहुत कम, ऑलरेडी मैं यूज कर चुका हूं बहुत कम। तो जब मैं यहां ओनली बोल ही दिया बहुत कम, तो इसका मतलब यहां मुझे फिर से उसे बहुत कम बोलने की जरूरत नहीं। तो मैं इस ओनली के साथ क्या यूज करता हूं? अ लिटिल। बड़े ध्यान से इस सवाल को और इस सवाल को बड़े ध्यान से समझना, यहां ओनली ऑलरेडी नेगेटिव सेंस दे रहा है, इसलिए फिर से मुझे यहां पर नेगेटिव सेंस इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है। अब आप बोलेंगे मैथ से ये उल्टे कॉन्सेप्ट क्यों समझा रहे हो? तो भैया एक बात बताओ मुझे, अगर मैं एक
छोटा सा, मैं आपको एक छोटा सा दायरा समझाने की कोशिश करता हूँ। एक बार मैं इस ऊपर की कहानी को मिटा दूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आ जाए। दोस्तों बहुत कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट्स, इसलिए बोलता हूँ सवाल पे टिके रहो। अगर मैं बोलूं शी इज केयरफुल, अगर मैं बोलूं शी इज केयरफुल, ठीक है, मैंने क्या लिखा जी, शी इज केयरफुल। अब मैं इसको, अगर मुझे इसी सेंटेंस को नॉट के साथ लिखना है या नेगेटिव सेंस के साथ लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, शी इज नॉट केयरलेस। बड़े ध्यान से समझिए, यहां पर मैंने लिखा नॉट और केयरलेस भी कौन सी सेंस दे रहा है, केयरलेस क्या बताता है, नेगेटिव। केयरलेस मतलब इसकी कमी है, किस चीज की कमी है, केयर की कमी। तो भैया अगर मुझे बोलना है शी इज केयरफुल, तो पहले तो मैंने यहां पर दायरा यूज किया नॉट और नॉट के साथ क्या कर दिया केयरलेस, इसका मतलब ये भी नेगेटिव सेंस था और ये भी क्या था, नेगेटिव सेंस। ये दोनों मिला के बना दिए क्या, पॉजिटिव सेंस। आ रही बातचीत समझ में? तो जब मैं ओनली का इस्तेमाल करता हूं तो ओनली ऑलरेडी नेगेटिव सेंस है, तो उस नेगेटिव सेंस के आगे फिर मुझे नेगेटिव सेंस की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी मैं इस ओनली में ही बता दिया हूं कि मेरे पास बहुत कम समय है, इसलिए मैं बोल रहा हूं वी मस्ट बी क्विक, वी हैव ओनली गॉट अ लिटिल टाइम। ओनली ओनली मुझे बता रहा है कि ये बहुत कम समय की बात कर रहा है। मजे से सीखो और समझो, मजा आ जाएगा। लिसन केयरफुली, आई एम गोइंग टू गिव यू डैश एडवाइस। अब एक बात बताओ, मैं आपसे बोल रहा हूं मुझे बड़े ध्यान से सुनो, तो मुझे बड़े ध्यान से सुनो, मैं ऐसा तो नहीं कहना, मैं नेगेटिव सेंस में तो कोई बात नहीं, भाई मैं आपको कुछ एडवाइस दे रहा हूँ, तो मैं आपको कुछ एडवाइस दे रहा हूँ, मैं ऐसा थोड़ी, मैं आपको, मुझे ध्यान से सुनो, मैं तुमको ना बहुत कम एडवाइस दे रहा हूँ, ऐसा तो होगा नहीं। तो यहां पर दायरा जो तैयार हो रहा है बात होने की, इसकी एडवाइस की, तो कुछ की अगर मैं बात करूं तो हो गया अ लिटिल एडवाइस। दिस इज अ वेरी बोरिंग प्लेस, दिस इज अ वेरी बोरिंग प्लेस। अब कोई चीज, कोई जगह है जो बहुत बोरिंग है, देयर इज डैश टू डू, देयर इज डैश टू डू, तो इसका मतलब हो गया कि भाई जब है ही है बोरिंग प्लेस तो यहां तो कुछ करने का है ही नहीं, तो यहां मैं क्या यूज करूं, मतलब मेरे पास कुछ है नहीं, नेगेटिव सेंस। तो नेगेटिव सेंस में क्या हो जाएगा दोस्तों, नेगेटिव सेंस के लिए आप यूज करेंगे, आप ऐसा थोड़ी बोलेंगे ये बहुत बोरिंग प्लेस है यार, यहां कुछ करने के लिए है, यहां कुछ कर सकते हैं, ऐसा तो हम बोलेंगे, ये बहुत बोरिंग प्लेस है, यहां तो कुछ करने के लिए है ही नहीं। अब बात समझ में आ रही ना, सेंस को पकड़ना सीखो, समझ जाओगे, सेंस छूटा कि नॉनसेंस।